राजनीति में कई बार वक्त और तारीख खुद को दोहराते हैं। आज हमने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का 11 जून 1996 का एक भाषण निकाला है जो उन्होंने लोकसभा में दिया था। ये भाषण उस वक्त का है जब अटल बिहारी वाजपेयी बहुमत साबित नहीं कर पाए थे लोकसभा में और प्रधानमंत्री पद से हट गए थे। इसके बाद देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने थे। 22 साल पुराने इस भाषण को देखकर आपको एहसास होगा कि देश में गठबंधन की राजनीति की कैसे वापसी हो रही है, और इस भाषण से यह भी पता चलता है कि भारत की राजनीति में इन 22 वर्षों के बाद भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। जब आप ये भाषण सुनेंगे तो आपको आज के समय में ये भाषण बिल्कुल फिट बैठता हुआ दिखाई देगा। ऐसा लगेगा जैसे सुषमा स्वराज उस 22 साल पुराने समय के बारे में नहीं, आज के बारे में बात कर रही है। दो परस्पर विरोधी व्याख्याएं इस सदन में जनादेश की रखी गई। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह जनादेश गठबंधन की सरकार के लिए था, कोएलिशन के लिए था। मेरी ओर से प्रश्न पूछा गया है कि क्या यह जनादेश कांग्रेस के साथ कोएलिशन के लिए था। आज से पहले इस सदन में एक दल की सरकार होती थी और बिखरा हुआ विपक्ष होता था, लेकिन आज बिखरी हुई सरकार है और एकजुट विपक्ष है। क्या यह दृश्य अपने आप में जनादेश की अवहेलना की खुली कहानी नहीं कह रहा? लेकिन अध्यक्ष जी, ये इतिहास में पहली बार नहीं हुआ जबकि राज्य का सही अधिकारी अपने राज्याधिकार से वंचित कर दिया गया। त्रेता में यही घटना राम के साथ घटी थी। राजतिलक करते करते वनवास दे दिया गया। द्वापर में यही घटना धर्मराज युधिष्ठिर के साथ घटी थी जब धूप शकुनि के दुष्ट चालों ने राज्य के अधिकारी को राज्य से बाहर कर दिया था। अध्यक्ष जी, यदि एक मंथरा और एक शकुनी राम और युधिष्ठिर जैसे महापुरुषों को सत्ता से बाहर कर सकते हैं तो हमारे खिलाफ तो कितने मंथराएं और कितने शकुनी करते हैं। हम राज्य में बने कैसे रह सकते थे? धर्मनिरपेक्षता का बाना पहनकर, हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर ये तमाम लोग एक साथ हो गए, एकजुट हो गए। अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं। हाँ वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम धारा 370 को समाप्त करने की मांग करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं, हम सांप्रदायिक हैं। अध्यक्ष जी, मैं उनके सेकुलर क्रेडेंशियल्स का जिक्र कर रही थी। अध्यक्ष जी, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए निर्दोष राम भक्तों को गोलियों से भूनने वाले ये सपा वाले सेकुलर, चकमा शरणार्थियों को भगाने वाले और घुसपैठियों को बसाने की वकालत करने वाले ये वामपंथी सेकुलर। सच्चाई तो ये है अध्यक्ष जी कि चूंकि हम अपने हिंदू होने पर शर्म महसूस नहीं करते, इसलिए हम कम्युनल हैं, इसलिए हम सांप्रदायिक। और इस देश में जब तक आप अपने हिंदू होने पर शर्मिंदगी महसूस नहीं करते, आपको इन तथाकथित बुद्धिजीवियों से सेकुलर होने का सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। सवाल यह है कि ये किसी सांप्रदायिकता के नाम पर इकट्ठे नहीं हुए, ये भी एक ओढ़ा हुआ बाना है। ये इकट्ठे हुए हैं अपने गुनाहों के कारण, ये इकट्ठे हुए हैं एक दूसरे को बख्श देने की सौदेबाजी के कारण। जी हाँ, ये अपने अपराधों के बेपर्दा होने के भय से इकट्ठे हुए हैं। अध्यक्ष जी, ये सांप्रदायिकता के नाम पर हुई हुई साझेदारी नहीं है।